लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं, कैसे कहूं किससे परिवार से दूर जाकर परिवार की अहमियत समझ में आ गई है मुझे। हमारी हल्दी की रस्म तो अभी पूरी नहीं हुई। मेरे प्यार की मोहर तुम्हारे चेहरे पर कहां लगी? ये क्या राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे आंसू कभी नहीं देखना चाहता। ये तो खुशी के आंसू है। आज मुझे आपके नाम की हल्दी लगी और अब आपके हाथों से भी हल्दी लग गई। हर किसी दुल्हन का ऐसा भाग कहां होता है। अब आपको जाना चाहिए। इतने जल्दी? कभी नहीं, मैं तो पहले से ही घर पर बोल कर आया हूं कि मैं देर से आऊंगा। नहीं, वैसे भी काफी देर हो गई है, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, रास्ता काफी लंबा है। पर जा कौन रहा है? वो माँ बुला रही है ना। अच्छा ठीक है, फिर कब मिलोगी? शादी में। क्या हुआ? अब ठीक है। राधिका सुनना, अरे राधिका, ये तेरे गालों पे क्या लगा हुआ है? वो ही हल्दी कहां से लगाई? हल्दी अम्मा, वो क्या हुआ कि? बोलना बिटिया, क्या हुआ है? मुंह में दही जमाए रखी है, कुछ पूछ रही है ना? हम क्या हुआ है माँ? अरे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ
कि तुम्हारा हाथ हल्दी के कटोरे में चला गया हो, फिर गलती से तुम्हारे चेहरे पे लग गया हो। हाँ वही माँ, ये लीजिए ना। अरे सुन राधिका, वो जो तू बाहर लालटेन जलाने गई थी उसे बुझा कर आ गई कि अभी तक जल रही है? हाँ अगर नहीं बुझी हो तो जाके बुझाया, वरना फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जा जा, अरे जा ना। अच्छा तो बुझा दी होगी लालटेन, मैं मैगजीन ही पढ़ लेती हूँ। मम्मी जी आपने विशाखा को रोककर बिल्कुल सही किया, फिर आप परेशान क्यों हैं? जानती हूँ मैंने बिल्कुल सही किया है, लेकिन इस तरह माँ जी के खिलाफ जाकर निर्णय लेना। मम्मी जी अब आप सबको खुश तो नहीं रख सकती ना, पर आप जानती हैं कि आपने जो कुछ भी किया है इस घर इस परिवार की भलाई के लिए किया। हाँ मैंने जो कुछ भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया, पर अब आगे क्या? रोक तो लिया विशाखा को, लेकिन उसके मन में क्या है ये भी नहीं जानती। हमें किसी भी तरह विशाखा से मिलना ही होगा, उससे बात करनी पड़ेगी। वो वापस लौट कर आई है तो उसने भी जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। एक बार वो हाँ कह दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हम कल सुबह ही वृंदावन जाएंगे। अरे नहीं मृणालिनी, ऐसे कैसे चले जाएंगे हम कल? क्या कहेंगे हम यहाँ सबसे, क्यों जा रहे हैं हम वृंदावन? कल सुबह हम नहीं जा सकते, अरे कल देव की हल्दी है। आज तो हमारे देर से आने की वजह से मुहूर्त निकल गया, लेकिन अगर कल भी ऐसा कुछ हुआ ना माँ जी बहुत नाराज होंगी। नहीं हम ऐसा करते हैं, कल जब हल्दी हो जाए तब चलेंगे। अरे भाई सुनो, आज मेरे देव को ऐसी हल्दी लगाना कि सारी अलाय बलाय दूर हो जाए। वैशाली वो बाकी की हल्दी भी पिसवा ली? जी हाँ माँ जी, अभी लेकर आती। सुशील जी, चाची माँ आज दीपिका आने वाली थी मायके से, कोई लेने गया कि नहीं उसे? अर्जुन गया होगा ना लेने के लिए, गया होगा। ये लो, ये तो यहाँ है। क्यों रे दीपिका को लेने नहीं गया? दीपिका हमें लेने जाना था क्या? दीपिका को हमें नहीं मालूम था। अरे तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुमको ही जाना चाहिए था कि नहीं लेने? वो दो दिन के लिए बेचारी मायके क्या गई, हम सब उसे भूल गए जैसे। अब दादी माँ मायके ही तो गई है, आ जाएगी, बच्ची थोड़ी ना है कोई। बेटा अगर हल्दी की रस्म तक नहीं पहुँची तो उसे बुरा नहीं लगेगा। अरे मेरे बिना ही हल्दी की रस्म शुरू हो गई। जीती रहो जीती रहो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं तुम्हारी बात कर रही थी। कैसे हैं सब लोग मायके में? मायके में सब मजे में है दादी माँ। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको भी हमारे साथ मायके चलना चाहिए था। हमने ढेर सारी मार्केटिंग की और खूब सारी साड़ियाँ खरीदी एकदम आपके स्टाइल की। तुम्हारी बीवी या तो अंधी है या फिर बेवकूफ। दूसरा वाला सही है।
डर लग रहा था कि कहीं हमारे आने से पहले हल्दी की रस्म शुरू ना हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता था दीपिका, तुम्हारे बिना ये रस्म कैसे होती। खुश रहो। अरे बेटा अभी तो ढोल बजना बाकी है, फिर तुम देव की भाभी हो, तुम्हें नाचना भी तो है ना। अरे दादी माँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। जाओ हल्दी लगाओ। जी दीपिका। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, इसलिए पहले मैं लगाऊंगी। पर पिछली बार जीजी आपने लगाने से इनकार कर दिया था ना। पिछली बार नहीं लगाया था तो शादी ही नहीं टिकी, इसलिए सोच रही हूँ इस बार लगा दो। इस बार दुल्हन जो भी हो देव, शादी निभा लेना। चलो अब चार सुहागनी और हैं, रह गई तुम लोग भी हल्दी लगा लो। जी चलना नहीं है क्या? चले। माँ जी से क्या कहना है सोच लिया है तुमने? बस देखती जाइए। अच्छा बस चलो हो गया, अब बिरजू जा तो देव को अंदर ले जा। दादी माँ मैं वृंदावन जाना चाहती थी। वृंदावन? वो शास्त्री जी के घर पर गौरैया रस्म की पूजा है ना, वहाँ सारी सुहागिनें अपना सिंदूर आशीर्वाद के रूप में दुल्हन को देती हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी जाकर उसे सिंदूर आशीर्वाद के रूप में दे आऊं। पर जीजी आप तो सिंदूर। दीपिका वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। आफ्टर ऑल इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, आखिर देव की शादी है। दादी माँ मैं मम्मी जी को साथ में ले जाऊंगी और कुलदेवी का सिंदूर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पूछ क्यों रही हूँ इसमें, जाओ जाओ बिल्कुल जाओ। आपके साथ चलेंगे। दीपिका मेरे ख्याल से मायके जाने के कारण से हमारी कितनी सारी रस्में छूट गईं। हम तो राधिका से भी नहीं मिल पाए, आपके साथ चलेंगे तो सबसे मिलना भी हो जाएगा। दीपिका अभी अभी तो तुम वृंदावन से आई हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो और आराम करने के बाद में घर में सबकी मदद कर देना, ठीक है ना। रिनाली साड़ी में हल्दी लग गई है, पहले चेंज कर लो, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। रिनाली क्या लगता है तुम्हें विशाखा वापस आने को तैयार होगी? वो तो घर छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि उसे हीरोइन बनना है। मम्मी जी ये तो वो बातें हैं जो मैंने और आपने औरों से सुनी, विशाखा के मन में क्या है ये तो हम कभी जान ही नहीं पाए।
लेकिन कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा। और वैसे भी ना वक्त बीत चुका है, उसमें भी बदलाव जरूर आया होगा। चल नाली, जरा कायदे से बात करना यहाँ पर। माँ जी, दूल्हे के घर वाले आए। राधे राधे समधन जी। राधे राधे। राधे राधे बिटिया, बहुत ही अच्छे अवसर पर आए हैं आप लोग। राधिका की गौरैया की रस्म हो रही है। मालूम है हमें, तभी तो आए हैं ये अपनी कुलदेवी का सिंदूर लेकर, छोटी बहू को लगाने के लिए। अरे विशाखा बेटा, समधन जी को अंदर बिठाओ। कविता, तुम जलपान का प्रबंध कर लो बिटिया। समधन जी, मैं पूजा संपन्न करा के आती हूँ। हाँ हाँ, आप पूजा कराइए ना। बिटिया, तुझे सिंदूर लगाने का अधिकार मिलने वाला है। भगवान करे तेरे सिंदूर की चमक कभी फीकी ना पड़े। जब ये सिंदूर तेरी मांग में भरे तो चांद तारों से भी ज्यादा जगमगाए। अरे बस बस देवकी भाऊ जी, सारे आशीर्वाद आप ही दे डालोगी कि अपनी समझाने वालों के लिए भी कुछ छोड़ दोगी? हाँ हाँ पार्वती, तुम लोग रस्म पूरी कर दो, फिर मैं उन लोगों को भी बुला लेती हूँ। वो भी राधिका की गौरैया की रस्म कर देंगे। उनकी लाई हुई टोकरी रखी हुई है ना? हाँ है ना, लाओ ललिता दिखाओ जरा। अरे इसमें तो सिंदूर ही नहीं है। हाँ वो उनकी कुलदेवी का सिंदूर है ना, बाद में मृणालिनी बेटी लगा देगी। बड़ी भाग्यशाली है अपनी राधिका। हाँ वो तो है। मैं आप लोग नाश्ता लगवाती हूँ। अरे विशाखा। हाँ जी। थोड़ी देर हमारे पास बैठो, इतने दिनों बाद आई हूँ। हमसे बैठकर बातें नहीं करोगे? इतनी सारी बातें हैं तुमसे करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमारी याद आती थी? सबकी याद आती है मुझे, आपकी, घर की। यहाँ से जाने के बाद मुझे परिवार की अहमियत समझ में आई है। मुझे पता चला कि मुझसे क्या कुछ छूट रहा है। मैं आप लोगों के लिए मीठा लेकर आती हूँ। विशाखा, तुम अगर हमें मिस करती हो तो घर आ सकती हो। आई मीन पुरोहित परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो दरवाजे मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहे। जो कुछ भी हुआ या जो कुछ होने वाला है हमारे बीच, उससे हमारी रिश्तेदारी थोड़ी खत्म हो गई है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इधर आ बेटा। जी माँ। बहुत खुशी हुई ये सुनकर। पिछले दिनों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे लिए तो तुम ही हो हमारी छोटी बहू।
इसलिए आए हैं आप लोग यहाँ। ये है आपके मन में, पर अब कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों के इरादे कामयाब होने नहीं दूंगी। किसी को भी राधिका से उसका हक छीनने नहीं दूंगी।